फ्रेंड्स यहाँ है, ये सिम्बा है, जर्मन शेपर्ड मेल है लॉन्ग हेयर में, और ये सूजी है, ये मैक्सी है, बेला, ये फीमेल्स हैं इसकी तीन, और फीमेल्स रेडी हैं, सीजन पे आने वाली हैं। अच्छा, मकसद ये है आज का, यहाँ है ये शिट्ज़ू का मेल है, ट्रिम हुआ हुआ है, इसके मैंने हेयर कट किए हुए हैं, ये मैंने स्टड के लिए रखा हुआ है। ये फीमेल है पोंग की, इसके भी बाल कम है, ट्रिम हुए हैं, और ये इस वक्त मेटेड है। मेटेड होने की वजह से मैं आपको बताता हूँ, मेटेड होने की वजह से इसको मैं ये टेबलेट क्यों नहीं देता, ये टेबलेट आज दूंगा। ये मेल है, इसको भी ये टेबलेट दी हुई है, और बाद में यहाँ ये शिट्ज़ू की फीमेल है, एक रशियन की फीमेल है, शिट्ज़ू का मेल है। अच्छा, अब यहाँ आ जाएं, मेरे पास है ये नेक्सगार्ड की टेबलेट, और लास्ट टाइम मैंने 4 महीने पहले इनको टेबलेट्स दी थी। इसको तो मैं नहीं देख सकता अभी फीमेल को, बाकी ये जर्मन शेपर्ड जो हैं जितने भी, इनको लास्ट टाइम 4 महीने पहले दी थी मैंने टेबलेट, 3 महीने का इसका टाइम होता, लेकिन 4 महीने ये निकाल गई। अब मुझे फील हुआ कि इनको दोबारा टिक्स हो रहे हैं, तो दोबारा मैंने ये टेबलेट्स मंगाई हैं और ये मैं इनको देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं स्प्रे यूज़ करता था, फ्रंट लाइन और एक्टोफोन स्प्रे यूज़ करता था, लेकिन जब से मैंने ये टेबलेट यूज़ की है, मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, मैं कोई कमर्शियल नहीं बना रहा इसका, जनरली बता रहा हूँ। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि टिक्स 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 बहुत ज़्यादा हैं, टिक्स से जान कैसे छुड़ाएं, तो टिक्स से जान छुड़ाने का बेहतरीन हल है, 3 महीने तक टिक्स नहीं होते डॉग्स में। टेबलेट महंगी है, पहले मैंने 6,500 के हिसाब से ली है और 7,500 के हिसाब से भी ली है, इस वक्त ये 9,000 रुपये के हिसाब से मुझे मिली है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। मैं अपने इन दोस्त को ये देख लें, लॉन्ग हेयर है, ये लॉन्ग हेयर है, जून जुलाई अगस्त, ये जून जुलाई अगस्त तो भी आया नहीं है, मार्च जून जुलाई गर्मियों के महीने होते हैं, अप्रैल मार्च जून जुलाई गर्मियों के महीने होते हैं, तो उन महीनों में टिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टिक्स का ब्रीडिंग सीज़न होता है और टिक्स लतादाद होते हैं डॉग्स में जो ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैंने ये टेबलेट यूज़ की थी तो टिक्स हुए नहीं इनको, अब होना शुरू हो रहे हैं, दोबारा ये टेबलेट दूंगा इनको। ये भी मैंने एक डब्बी मंगाई है, इस एक पैकेट में 3 ही टेबलेट होती हैं, और एक मेरे पास यूज़ में रखी हुई है खुली भी, वो भी दिखाता हूँ। ये मैं तमाम टेबलेट इनको दूंगा आज, तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। आ जाए फ्रेंड्स, पहले सिम्बा को देते हैं। सिम्बा तो वैसे भी खा जाएगा, लेकिन मैं खिला देता हूँ उसको, वैसे तो काफ़ी टेस्टी होती हैं, खुद खा जाते हैं। खा गया सिम्बा, सिम्बा को हो गई, और अब 1, 2, 3 है। तो फ्रेंड्स इनको मैंने दे दिए, और ये जुलाई का लास्ट चल रहा है, तो जुलाई के बाद अब मेरे पास 3 से 4 महीने और टाइम है, 3-4 महीने तक 100% इनको टिक्स नहीं होंगे। इनको मैंने दे दिए टेबलेट्स, ये अंदर जाने के चक्कर में चले जाओ, चलो ठीक है। तो ये सूजी बैठी हुई है, इसको भी दे दी, और सिम्बा को भी टेबलेट दे दिए। इनका टाइम आ गया था, इनकी डेट थी टेबलेट देने की, तो इनको मैंने दी है, इनको पहले से टेबलेट्स दी हुई हैं, और इनको जब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत के मुताबिक मैं ज़रूर दूंगा। इसका मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल ये मेटेड है, तो इसको मैं नहीं दे सकता, और डॉग्स पे इस वक्त जो मैं टिक्स के लिए ख़ास ट्रीटमेंट है यही कर रहा हूँ, टेबलेट्स दे रहा हूँ इनको। जो मज़ीद मेरी ये जगह है, ये जो आपको नज़र आ रही है जगह, क्योंकि दीवारों में इधर उधर जालियों में टिक्स बैठ जाते हैं, तो जगह के लिए मैं, ये मेरे पास पंप है, ये पंप है, ठीक है, और इस पंप के बाद ये सेगोवान एक्टोफोन, बहुत से इसमें कंपनी आती है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ये एक्टोफोन का स्प्रे बनाकर मैं पूरे कैनल में करता हूँ, तो जगह के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, और डॉग्स को जो है मैं टेबलेट्स देता हूँ। बहुत से दोस्त पूछते हैं, यार मेरी जगह पे बहुत ज़्यादा टिक्स हैं, हम क्या करें, अब डॉग को तो हम टेबलेट दे दें, लेकिन जगह के लिए क्या करें, तो जगह के लिए आप जगह पर ही स्प्रे करें, और ये
स्प्रे, जैसे कोने खांचे हैं, जैसे ये जालियां हैं, जालियों के कोने, इस तरह के कोने यहाँ पर दीवारों के ऊपर, इन जगहों पे किया जाता है कि जहाँ इनके अंडे बच्चे हों, जहाँ ये छुप के बैठे हों, वहाँ भी इन तक असर पहुँचे। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग गैस और आग, गैस का जो है ना कि आग जलाकर आग से भी जो है जगहों पे करते हैं, आग लगाते हैं कि वो जल जाएँ वहाँ पर। बहुत सारे तरीके होते हैं, देसी टोटके होते हैं, मैं यही यूज़ करता हूँ, तो आप दोस्तों से शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।